नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे अंबाला के एनआरएचएम कर्मचारियों की, जो कि हड़ताल की राह जिन्होंने चुन ली है और 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, इसलिए एनआरएचएम कर्मचारी खासे नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। वहीं इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। उसके तनख्वाह के लिए हम कर रहे हैं। इस बार एनआरएचएम ने हमारा लगभग 150 करोड़ रुपए काट दिया। ये केंद्रीय स्कीम है, तो इस कारण से तनख्वाह में दिक्कत आ रही है, लेकिन अब हम स्टेट फंड से उनको तनख्वाह देने के लिए हमारी एक्सरसाइज चल रही है। सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को, एनआरएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि स्टेट फंड से उनको वेतन दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी अनिल विज साहब की, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के गढ़ में कर्मचारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 4 महीने से वेतन न मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला एनआरएचएम कर्मचारियों ने लिया है। तो अंबाला में कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एनआरएचएम के कर्मचारी जाएंगे। बीते 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनआरएचएम द्वारा 150 करोड़ रुपए काटने का हवाला देकर यह कहा है कि स्टेट फंड से उनका वेतन दिया जाएगा। बीजेपी की नेता रेणु भाटिया जी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। रेणु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार रेणु जी। एनआरएचएम जो कर्मचारी हैं अंबाला के, वो पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने को लेकर खासे नाराज हैं, और नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह वेतन न मिलना ही है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का उन्होंने फैसला लिया है। तो मंत्री जी के गढ़ में ही कर्मचारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वो भी उन्हीं के महकमे से जुड़े हुए। फैसला लिया है और वो अनिल विज जी से भी उन्होंने बात की है, परंतु अभी कई न्यूज चैनल्स ने भी दिखाया, आप भी दिखा रहे हैं उनकी बात कि अनिल विज जी ने उनको आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक आदर्श नागरिक की तरह आप अपना कार्य संभालें और एक आदर्श नेता की तरह मैं अपनी बात को रखूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी परेशानी में आता है या उसको कोई कमी महसूस होती है उसके कार्यकाल में, तो कम से कम अब नेता उस बात को इमीडिएट सुनकर फैसला लेते हैं। लेकिन रेणु जी, ये भी इसको इस नजरिए से भी देखें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, तब जाकर विज साहब ने ये कहा, और 4 महीने बीत गए, इस 4 महीने के दौरान भी उन पर कोई ध्यान जो है नहीं दिया गया, 4 महीने की वेतन रुक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है आपकी, कर्मचारियों के लिए या किसी भी के लिए जब उसकी इनकम का सोर्स रुकता है तो उसे परेशानी अवश्य होती है, परंतु जो लीगलिटीज होती हैं या कोई भी इस तरह से पत्राचार होता है इस तरह के कार्यों में, सरकारी कार्यों में, उनको सॉल्व करने में जो वक्त लगता है वही एक वक्त लगता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये एक निश्चय किया हुआ है कि सबका विकास समान विकास होगा, तो चाहे वो कर्मचारी हो या प्रदेश की जनता हो, सबके लिए एक समान बात सोची जाती है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता रंजीता मेहता जी फोन लाइन पे हैं। रंजीता मेहता जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, जहाँ तक 4 महीने तक सैलरीज ना मिलने की बात है, हाँ, आपको पता है कि महंगाई का दौर कितना बढ़ चुका है, एक रेट जो है आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के रेट दरादर बढ़ रहे हैं, दालें, आटा, चावल सब बढ़ रहे हैं, और 4 महीने लगातार अगर किसी के घर में तनख्वाह नहीं जा रही है तो उस घर के हालात क्या होंगे, तो उन कर्मचारियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि कर्मचारी हड़ताल पर बैठकर उसके बाद ही उसकी सुनवाई हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी
प्रशासन करने में ढील बरत रही है या उनका ध्यान नहीं है, ध्यान ट्विटरबाजी में और बयानबाजी में ज्यादा रहता है, लेकिन तो कहीं ना कहीं ये तो कमी है। सब अंबाला में हो रहा है, ये सब अंबाला के जो एनआरएचएम के कार्यकर्ता कर्मचारी हैं वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का उन्होंने फैसला लिया है। बिल्कुल, पहले भी जब ये सड़क यहाँ पे बनी थी एनआरएचएम की तो तब भी सड़क ऊंची बना दी गई थी, जिसकी वजह से सड़कों से पानी नीचे लोगों के घरों में चला गया था और बाढ़ की स्थिति आ गई थी। तो कहीं ना कहीं तो चाहे कह लीजिए कमी है प्रशासन की कि वो ना तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही उनकी मजबूरी और उनकी जो इसम प्रॉब्लम है वो समझ पा रहे हैं। जब तक आमने सामने बैठकर बात नहीं होगी और जल्द फैसला नहीं होगा, तब तक कर्मचारियों की स्थिति बनती रहेगी। रेणु भाटिया जी, चूंकि एनआरएचएम केंद्र सरकार की, भारत सरकार की एक योजना है और इसकी जिम्मेदारी राज्यों की, ये दायित्व है राज्यों का कि वो इसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करें या फिर उस पर निगरानी भी रखें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एनआरएचएम को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष तो नहीं है, काम ठीक तरीके से हो रहा है, क्योंकि सतही स्तर पर इसका जो ग्रामीण परिवेश है इससे पूरा ही, उससे पूरी ये योजना जुड़ी हुई है, बहुमूल्य स्वास्थ्य और सेवाएं उपलब्ध कराना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आपको लगता है कि हम ऐसे कई सारे चीजें देख चुके हैं इस प्रदेश के अंदर, हाल फिलहाल में हम कई सारी ऐसी खबरों को भी उठा चुके हैं जहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो पीएचसी हैं हमारी, वो जर्जर हालत में है। अभी ठीक 5 बजे भी हमने ऐसे ही एक मुद्दे को उठाया था। तो इस तरह के हालात एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अगर कार्यकर्ताओं में, अगर कर्मचारियों में ही रोष होगा, वो अपनी तनख्वाह ही टाइम पर हासिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर डिलीवरी कैसे होगी? देखिए, आपने बहुत लंबा प्रश्न किया और प्रश्न में कई मोड़ थे। मैं वन टाइम आंसर देना चाहती हूँ जो सभी महकमों से, सभी विषयों से जुड़ा हुआ है, कि कोई भी ऐसा स्थान, सरकारी महकमा, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो एक पिछले 12-15 महीनों में जर्जर हुई हो। जर्जर हालात में अगर आपको कोई चीज मिलेगी तो आपको फैसला लेना होगा कि इसको कंटिन्यू रखना है या इसे पूरा डिमोलिश करना है। ये एक उस समय सोच की बात बन जाती है कि हमारी स्थिति क्या है, हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, रूट लेवल से करना पड़ेगा, या इसी को मैनिपुलेट करके, मॉडिफाई करके एडजस्ट करना होगा। तो ये सारी बातें जब सरकार बनी तो इस तरह के बहुत सारे मोड़ हमें देखने पड़े, बहुत सारे ऐसे गड्ढे हमें भरने पड़े, और आज तक कई जगहों पर, कई स्थानों पर, कई महकमों में ऐसी परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं जहां एक छोटे छोटी बात के लिए कागजों का है पूर्ति करनी पड़ रही है, जो रूल्स रेगुलेशंस को ओबे, नॉन ओबे करने की स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। इन्हीं जगहों पर हमें परेशानियां आ रही हैं। अदरवाइज जो हमारी स्ट्रेटजी है काम करने की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक आज के दौर में काम करना चाहती है और रेणु भाटिया जी, चलिए ठीक है, आप जो बातें कह रही हैं वो बातें मान ली जाए, लेकिन एनआरएचएम, जैसे मैंने क्या शुरुआत में कहा कि केंद्र सरकार की, भारत सरकार की एक योजना है, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार में भी बीजेपी सत्ता में है और प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता में, और ये पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो इस पर तो आप ही की सरकार कटघरे में है, इसमें आप पिछली सरकार को दोष नहीं दे सकती। उसी विषय पर मैंने शुरुआत में ही बात कही कि पहली ऐसी सरकार है और पहली बार ऐसे मंत्री आपको दिखेंगे जिनके आगे अगर कर्मचारी अपनी 3-4 महीने की ये दुविधा जो लेकर गए हैं, तुरंत प्रभाव से अनिल विज जी ने उनको उस चीज को सॉल्व करने की बात आज कही। तो ऐसा कहीं नहीं होता, अदरवाइज खूब धरने प्रदर्शन सालों साल के हम देखते रहे। आपको ध्यान हो, आपके चैनल पर मैं स्वयं आकर डिबेट्स करती थी जिसमें हम लोगों ने चुनाव से कुछ समय पूर्व हर महकमे की जो है हमने हड़तालें देखी, हर महकमे का लॉकअप देखा, इस तरह की परिस्थितियों को देखा। तो उन्हीं परिस्थितियों में से निकलकर ये कई प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं बीच में से आई, जिनको हम अब परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसे रूल्स, ऐसी बात करना चाहते हैं, पेपर वर्क ऐसा करना चाहते हैं, नए कामों का ब्लूप्रिंट ऐसा करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी हमें इंजेक्टेबल काम ना करना पड़े। नहीं, रेणु भाटिया जी, ठीक है, मैं मेरा एक सवाल आपसे ये भी, एक सवाल ये भी फ्रेम हो रहा है इसलिए भी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे मंत्री हैं जो कर्मचारियों की आवाज सुनते हैं, अगर कर्मचारी आवाज उठाते हैं तो वो उस आवाज को सहारा देते हैं, उनकी आवाजों को सुनते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये तो बयान हमने भी अनिल विज साहब का सुनाया है, ये पाक साफ है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है ना। आप जब कांग्रेस में ऐसा होता था तो आप कांग्रेस गवर्नमेंट को दोष ठहराते थे, लेकिन आपकी सरकार के दौरान ही, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो,
इस योजना में अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिला है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी थी। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने इस बात को बड़ी भली भांति समझा और हाँ। इस चीज के ऊपर अनिल विज जी ने भी बड़ा सीरियसली गौर किया हाँ। कि डेफिनेटली अगर किसी कर्मचारी की 4 महीने की वेतन रुक जाती है हाँ। तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बात को उन्होंने प्रैक्टिकली कहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घुमा फिरा के उन्होंने बात कही, और उन्होंने यही ये भी बात साथ में रखी कि जल्द से जल्द इस चीज को हम सॉल्व करेंगे ताकि मेरे ये भाई ऐसे मौसम में और 4 महीने की तनख्वाह रुकने से हड़ताल में या इस परिस्थिति में ना जाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रंजीता मेहता जी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। रंजीता मेहता जी, रेणु भाटिया की बातें आप सुन रही होंगी, वो जो बात रख रही हैं वो डिफेंसिव मोड में है, इस बात को अब होना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी की कार्यकर्ता भी है, नेता भी है। लेकिन जो बातें मैंने उनसे कही है, जो सवाल मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने उनका सटीक जवाब अभी तक नहीं दिया है। मेरा कहना यह था कि 4 हफ्ते अगर वेतन रुका है तो जिम्मेदारी सरकार की है, उसके लिए जिम्मेदार सरकार। एक मंत्री कंसर्न करता है, एक मंत्री चिंतित होता है, वो बात वाजिब भी है और अच्छी बात भी है, लेकिन सरकार क्या चिंतित होती है, सवाल ये भी। ये कह रहे थे कि अनिल विज जी बड़े सतर्क हैं, उन्होंने इस चीज से बड़ी चिंता जताई है कि 4 महीने तक तनख्वाह रुकी तो उनको पता है कि क्या होता है, तो ये कह रहे हैं बड़े जल्दी लिया जाएगा, तो क्या 4 महीने का टाइम बहुत कम है? ऑलरेडी 4 महीने बीतने के बाद और उनके हड़ताल बैठने के बाद ये चीजें आ रही हैं सामने। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो का कंट्रोल जो एक मैनेजमेंट होती है वो नहीं है। रेनू जी, मैं सिर्फ अपनी दोस्त से ये बात जानना चाहती हूँ कि जो चुनाव के दौरान आप लोगों के हर सरकार के समय हर महकमे ने हड़तालें करी, हर महकमे ने लॉकअप्स करे, काम बंद करे, चाहे वो बिजली महकमा था, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का था, चाहे वो टीचर्स का महकमा था, तो क्या आपकी मैनेजमेंट उस समय समझ नहीं रही थी या जान के कर्मचारियों को दिखाना चाहती थी? हरियाणा में 10 साल प्रशासन किया और हमने 62-69 साल हमने पूरे सेंटर में सरकार चलाई, आप उसकी गिनती गिन लीजिए और पिछले 13 महीने का टर्नओवर हरियाणा सरकार का देख लीजिए, आज हर वर्ग सड़कों पर है। आप इस चीज को मानने से कैसे इनकार कर सकते हैं कि अनुभवहीनता है, कहीं ना कहीं सरकार और जो प्रशासन है उनसे तालमेल की कमी है। आपकी सरकार का जो जितना भी कंट्रोल होना चाहिए प्रशासन के ऊपर या मैंने आपस में तालमेल होना चाहिए, उसकी इतनी कमी है, वो एक डिपार्टमेंट नहीं हर डिपार्टमेंट में नजर आ रही है। और बार बार आप कांग्रेस का नाम लेकर कांग्रेस को कहकर के खड्डे छोड़ के गए हैं, उन खड्डों को भरने का काम कीजिए ना, कि खड्डे छोड़े आप तो उनको खाइयों में तब्दील कर रहे हैं। मैं इसीलिए बात कह रही थी कि अच्छा हुआ रंजीता जी ने अपनी बात को स्वयं एग्री कर लिया कि वो 62 वर्षों से राज्य कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि 62 वर्ष अगर किसी के पास सत्ता हो तो आज भी उस भारत को डेवलपिंग कंट्री में कहा जाता है। देखिए कि जब हमने भारत का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, अब भारत क्या है, आज भारत क्या है, टेक्नोलॉजी में हर चीज में कितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, जो सब इंप्रूवमेंट हुई वो आपको नहीं दिखाई दे रही। जब इतना लंबा प्रशासन हो तो कहीं ना कहीं कमी रहती है, लर्निंग प्रोसेस सारी जिंदगी चलता है। आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि 14 महीने के टर्नओवर में आपने एक भी नई योजना नहीं लागू की, बल्कि आपने जो पुरानी योजनाएं उनका नाम बदलकर उनका फीता काटने का काम किया है। That's very great. I'm very thankful, रंजीता जी, कि आपने ये बात रखी कि लर्निंग प्रोसेस सारी जिंदगी चलता है। मतलब आपके लिए तो सर लर्निंग प्रोसेस सारी जिंदगी चले, और भारतीय जनता पार्टी से आप 14 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गड्ढे आपने खोदे उनको हम इमीडिएट भर दे, मतलब हमारा लर्निंग प्रोसेस ना हो, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। खैर मैं देखिए जो लर्निंग प्रोसेस की बात करती है, लर्निंग प्रोसेस तब होता है कि जब हम कर्मचारियों को इस तरीके से वादे किए, आज तक एक भी वादे कोई पूरा करने के दूर की बात है, आपने शुरुआत तक नहीं की। हमें कहीं नजर तो आ रहा हो कि आप किसी चीज की इनोवेशन की शुरुआत कर रहे हैं, आपके माननीय प्रधानमंत्री तो विदेशों में जाकर टैक्स पाटा ही खत्म नहीं हो रहा, पाकिस्तान में जाकर केक काट के आते हैं और वो पाकिस्तानी यहाँ पर आके हमारे साथ साथ जवानों को शहीद कर रहे हैं। भारत से जुड़ा हुआ विषय है, कांग्रेस और भाजपा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये विषय भारत से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमारे भारत क्यों हुए इस समय, मोदी जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मोदी जी की नीतियों में कहीं ना कहीं कमी है जिसका खमियाजा हरियाणा और पंजाब की जनता भुगत रही है।
अगर नीतियों में कमी होती तो आज भारत का शेर जाकर वहां पे दहाड़ ना मारता। तो हमें दहाड़ क्या, कौन सी दहाड़ पड़ेगा हमें कि कहाँ चला गया उस शेर का? इस विषय पर हमके बहुत जवान शहीद हो गए हैं, वो 56 वो किधर महीनों में एक शेर आकर कहीं स्टेटमेंट देने के लिए जा रही है, वो 56 इंच सेना कहाँ पे था जब जवानों की मौत हो रही थी? अभी एक घंटा पहले भी उन्होंने घर का पंजाब राजकोट में चल रहा था, 10 वर्षों में ही कितनी बार भारत का परचम फैला हमारे विदेशी राज्यों में और हमारे भारत के जो मूल लोग ऐसे परचम का क्या फायदा? मुझे ये बताइए कि हमारे जवानों को बार बार कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है चौड़ी करके हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, हमारे शहीदों को मारता है और बार बार हम उनके उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। हेलो, चाहूंगा रेणु जी ये रंजीता जी आपसे भी, क्योंकि हम लोग मुद्दे पे ही रहे, हम लोग एनआरएचएम की बात कर रहे हैं, हम लोग देश की सुरक्षा की बात ना करें क्योंकि वो अपने आप में एक बेहद व्यापक मुद्दा है और जिस तरह की आजकल स्थिति बनी हुई है अगर इस पर चर्चा करनी हो तो उसका एक अलग मुद्दा डिसाइड हो सकता है, उस पर अलग चर्चा हो सकती है। मैं वापस लौटूंगा, मैं चाहूंगा आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एनआरएचएम एक ऐसी योजना जो भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू कराई गई है, लेकिन कई विशेष राज्य हैं जिस पर खास नजर रखने की या उस पर जोर देने की एनआरएचएम के माध्यम से बात कही गई है, लेकिन ऐसी योजना जो कि ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात एनआरएचएम के थ्रू कही जाती है, लेकिन अगर एनआरएचएम कार्यकर्ता कर्मचारी ही असंतुष्ट होंगे तो फिर कैसे अच्छा और बेहतर काम ग्रामीण परिवेश में हो पाएगा? ये सवाल अब भी बना हुआ है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द दूंगा आंसर। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था, तकरीबन एक महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देखिए चक्रव्यूह रविवार रात 9 बजे और सोमवार सुबह 9 बजे। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है, हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल, एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं।
गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालबट्ट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। मुद्दा बेहद गंभीर है, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता? एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापम जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजे। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए। सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी 10 करोड़ लोगों की पसंद, इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में हम बात एनआरएचएम योजना की कर रहे हैं। एनआरएचएम योजना के तहत आने वाले कर्मचारी अंबाला के कर्मचारी हैं जो कि नाराज हैं। नाराज इस वजह से चूंकि इन्हें बीते चार महीने से वेतन नहीं मिला है और उससे असंतुष्ट हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया। हालांकि इसके बारे में जब हमने खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका वेतन स्टेट फंड से दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि एनआरएचएम भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है देश भर में ग्रामीण परिवारों को बहुमूल्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ऐसे में सवाल यही है कि अगर मंत्री जी के गढ़ में ही कर्मचारी असंतुष्ट हैं तो फिर दूसरे जगहों के कर्मचारियों की क्या हालात होंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा भी स्वास्थ्य मंत्री पर है और एक मोर्चा एनआरएचएम कर्मचारियों को वेतन देने का भी है जिसका उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि स्टेट फंड से दिया जाएगा। हालांकि एनआरएचएम कर्मचारियों ने इस पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। हम लगातार उनके प्रतिनिधियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान रेणु भाटिया जी बीजेपी से और रंजिता मेहता जी कांग्रेस से फोन लाइन पे हैं। रेणु भाटिया जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि एनआरएचएम एक पहलू है और ऐसे कौन कौन से मोर्चे हैं जिसको लेकर, क्योंकि इसी प्रदेश के अंदर हमने गेस्ट टीचर्स का भी हाल देखा, इसी प्रदेश के अंदर हमने पात्र अध्यापकों की भी कंडीशन देखी, जेबीटी टीचर्स के भी हालात देखे, आपको लगता है कि अभी भी काफी काम किया जाना है और पुरानी सरकार से कैसे आपकी सरकार अलग काम कर रही है कर्मचारियों को भरोसे में लेने का भी? बिल्कुल,
देखिए आप कंपैरिजन अगर करें जी, जो विषय आपने लिया उसी का अगर आप कंपैरिजन करें हाँ, तो पिछली सरकार के समय हमारे कर्मचारियों को क्या क्या परेशानियां से जूझना पड़ रहा था उनको, और आज आप आज की स्थिति देखें, चाहे वो टीचर्स काम की बात कीजिए ना, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं रंजीता जी, आपको पूरा मौका ये भाई देंगे बोलने के लिए। आप चाहे टीचर्स का मुद्दा देखें, गेस्ट टीचर्स का देखें, आरक्षण की बातें देखें, ये जो सारी आग लगी है जिस जिस क्षेत्र की, ये सारी आग की जड़ कहाँ है? जो लकड़ी चूल्हे में रखी गई वो कहाँ से रखी गई और कब रखी गई, इस चीज के ऊपर थोड़ा दृष्टि डालें। लेकिन किसी भी आग को बुझाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है, और अगर आप पानी पूरी तरह से डाल भी देते हैं तो उसका धुआं निकलता रहता है, उस वो आग सुलगती हुई आग को बुझाने के लिए आपको समय चाहिए होता है। लेकिन एक बार जब ये आग बुझ जाएगी और उसको नया रास्ता मिल जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दोबारा किसी भी महकमे में इस तरह छोटा सा रिएक्शन रंजीता जी आपसे। देखिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ, एनएचएम के एम्प्लॉयज के लिए ऑलरेडी फंड रिलीज कर दिए थे हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पे क्यों नहीं किया? इन्होंने प्रतिक्रिया में भी ये बताया कि हम सिर्फ एक महीने की तनख्वाह दे सकते हैं हाँ, बाकी जो पैसे थे इन्होंने अपनी स्टेट ट्रेजरी में ट्रांसफर किए और उसका इस्तेमाल इन्होंने महंगी गाड़ी खरीदने के लिए किया। लोगों की तनख्वाह की कॉस्ट के ऊपर ये महंगी गाड़ी यूज करने के लिए तैयार, इनके पास पैसे हैं। कई सारे आरोप लग सकते हैं ऐसा, अब इसके कई सारे परसेप्शन भी हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप दोनों मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, रंजीता जी आपका, रेणु भाटिया जी आपका, इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।